नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष कुमार, प्राचार्य पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटिका। पिछले वीडियो में हमने टीचिंग एंड लर्निंग के विषय में जाना कि एक शिक्षक अच्छा शिक्षण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं अपडेट ना रहे तथा विद्यार्थियों को एक सहयोगी, मित्र एवं निर्देशक की भांति मार्गदर्शन ना करता हो। साथ ही विद्यार्थी भी अच्छा लर्नर तभी बन सकता है जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रहे, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाला अर्थात पहले से आगामी प्रकरण को पढ़कर तैयार रहे। आज हम माइक्रो टीचिंग के विषय में पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। डॉक्टर एलन एवं उनके साथियों द्वारा अमेरिका में 1963 में माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ किया गया। दोस्तों, एक दर्जी भी तभी दर्जी कहलाता है जब वह सिलाई के सभी कौशलों को जानता हो, जैसे कपड़े की कटिंग करना, तुरपन करना, कास बटन करना, मशीन चलाना आदि। उसी प्रकार एक शिक्षक भी अच्छा शिक्षक तभी कहलाता है जब उसे विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान हो। वॉट इज माइक्रो टीचिंग? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? इसे जानने के लिए सबसे पहले इसका अर्थ जानना आवश्यक है। ऐसा शिक्षण जिसमें संक्षिप्त विषय वस्तु हो, छोटा समूह हो एवं कम समय में पूरा हो सके, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अर्थात इसमें तीन बातें प्रमुख होती हैं: विषय वस्तु जो कि संक्षिप्त होनी चाहिए, समूह जो कि 6 से 10 विद्यार्थियों का हो, समय जो 5 से 7 मिनट हो। सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में स्किल ट्रेनिंग टेक्निक है, अर्थात कौशल प्रशिक्षण प्रविधि है। यह कम समयावधि का शिक्षण होता है। अनुभवहीन शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण कौशल प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनुभवी शिक्षकों के कौशलों को निखारने के लिए या उनमें सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल सूक्ष्म शिक्षण चक्र या प्रक्रिया जो कि 6 स्टेप्स में होती है, इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है माइक्रो लेसन प्लान, जो कि बनाने में कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन या 2 घंटे प्रति स्किल लगते हैं। स्टेप 2 टीच 5 मिनट, स्टेप 3 फीडबैक सेशन 5 मिनट, स्टेप 4 री प्लान 10 मिनट, स्टेप 5 री टीच विद अनादर ग्रुप 5 मिनट, स्टेप 6 री फीडबैक 5 मिनट्स। इस प्रकार टोटल लगभग 30 मिनट का समय इस साइकिल को पूरा होने में लगता है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि शिक्षक प्रशिक्षणार्थी संबंधित कौशल में अभ्यस्त ना हो जाएं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। इसमें शिक्षण की समयावधि उसी प्रकार कम होती है जिस प्रकार विद्यार्थियों की संख्या। शिक्षण को सुविधाजनक बनाने हेतु विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। इसमें तुरंत फीडबैक अर्थात पृष्ठपोषण का प्रावधान भी होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में री प्लान, री टीचिंग और री एवेल्युएशन की सुविधा भी होती है। यह शिक्षक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, अर्थात उसका सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करने पर बल देता है। शिक्षक की सभी कमियों या दोषों का निरीक्षण करता है। अनुशासन की समस्या को भी नियंत्रित इसमें किया जा सकता है। कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण एवं परंपरागत शिक्षण के मध्य तुलना। दोस्तों, परंपरागत शिक्षण में जहाँ एक क्लासरूम में 40 से 60 विद्यार्थी हुआ करते हैं, वहीं सूक्ष्म शिक्षण
में 6 से 10 विद्यार्थियों की कक्षा होती है। परंपरागत शिक्षण में शिक्षक द्वारा एक समय में कई शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही प्रविधि और विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक द्वारा एक समय में केवल एक कौशल का उपयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण में कक्षा का समय 40 से 45 मिनट का रहता है, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में समयावधि 5 से 7 मिनट की होती है। परंपरागत शिक्षण में पृष्ठपोषण फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक साथ साथ मिलता रहता है। परंपरागत शिक्षण में परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं होता, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में नियंत्रित स्थिति में ही क्लास होना संभव है। परंपरागत शिक्षण में शिक्षण जटिल होता जाता है, जबकि सूक्ष्म शिक्षण अपेक्षाकृत सरल रहता है। परंपरागत शिक्षण में निरीक्षक की भूमिका स्पष्ट नहीं होती, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में सुधार के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका विशिष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होती है। परंपरागत शिक्षण में कक्षा की बातचीत के पैटर्न का अध्ययन नहीं किया जा सकता, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा की बातचीत के पैटर्न का अध्ययन निष्पक्ष रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत शिक्षण से सूक्ष्म शिक्षण को अधिक प्रभावी एवं नवाचार के रूप में अपनाया गया है। इसकी सहायता से अनुभवहीन शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण की बारीकियाँ अलग-अलग कौशलों के अभ्यास से सिखाई जा सकती हैं, ताकि वह उन सब का प्रयोग अपने शिक्षण को बेहतर बनाने हेतु कर सके। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक, सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के घटक। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के प्रमुख रूप से 4 घटक होते हैं: स्टूडेंट टीचर, फीडबैक डिवाइसेस, स्किल और टीचिंग स्किल्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट टीचर यानी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी। विद्यार्थी जो शिक्षक बनने हेतु प्रशिक्षण ले रहा है, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी या स्टूडेंट टीचर कहलाता है। प्रशिक्षण के दौरान उनमें विभिन्न प्रकार की दक्षताओं का विकास किया जाता है, जैसे कक्षा प्रबंधन की क्षमता, अनुशासन बनाए रखने की क्षमता एवं विद्यालय या महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की क्षमता का विकास। नंबर 2, फीडबैक डिवाइसेस, पृष्ठपोषण या प्रतिक्रिया उपकरण। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पृष्ठपोषण प्रदान करना आवश्यक है, अर्थात उन्हें सही समय पर सही या गलत बताना आवश्यक है, ताकि वे इसमें सुधार कर सकें और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास कर सकें। यह पृष्ठपोषण उन्हें वीडियो टेप, ऑडियो टेप और पृष्ठपोषण प्रश्नावली या चेकलिस्ट की मदद से दिया जा सकता है। नंबर 3 है स्किल यानी कौशल। जैसा कि हम जानते हैं, कौशल का मतलब है किसी कार्य को अच्छा या विशेषज्ञ की तरह करने की दक्षता। नंबर 4 है टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल शिक्षक व्यवहार का एक सेट तरीका है जो विशेषज्ञ के रूप से विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने में प्रभावी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चरिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। एक विद्यार्थी सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से लेक्चरिंग स्किल को प्रभावी करना, ब्लैक बोर्ड वर्क प्रभावी रूप से करना, क्लास में क्वेश्चनिंग करने की स्किल्स को प्रभावी बनाना और क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सब माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सीखता है, जो कि माइक्रो टीचिंग का एक आवश्यक हिस्सा है या एसेंशियल पार्ट है। वेरियस स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग की वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं
जैसे इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, रीइन्फोर्समेंट स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, अचीविंग क्लोजर स्किल, इलस्ट्रेशन स्किल एट्सेट्रा। किंतु इनमें से हम सभी स्किल्स को काम में नहीं लेते हैं। इनमें से जो प्रमुख स्किल्स काम में ली जाती हैं उनमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन स्किल, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। इन सभी स्किल्स का एक एक करके विस्तार हम अगले वीडियोस में करते रहेंगे। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन स्किल पर। हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए आप इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।